Ashraf. I am consultant dermatologist and cosmetologist. आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल YouTube चैनल डॉक्टर बतूल अशरफ ऑफिशियल. आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सोराइसिस क्या होता है और सोराइसिस से हम किस तरह निजात हासिल कर सकते हैं. सोराइसिस एक फ्लेकी ड्राई स्किन कंडीशन होती है जिसमें प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, बहुत पेशेंट को इच होती है. इसके अलावा बॉडी पे भी जो हमारे बोनी पार्ट्स होते हैं वहाँ पे कॉमनली पाई जाती है और ये मर्द और औरत दोनों को मुतासिर करती है. इससे निजात कैसे, ख़ास तौर पर औरतों में स्कैल्प सोराइसिस बहुत कॉमन है. आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ सिर्फ एक इंग्रेडिएंट और उस एक इंग्रेडिएंट से आप सोराइसिस से, स्कैल्प सोराइसिस से कैसे निजात हासिल कर सकें. तो जो इंग्रेडिएंट आज मैं इस्तेमाल करूँगी उसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं. आपकी फॉलिकल कोई रीजनरेशन होगी, फ्लेकी कंडीशन को बहुत हद तक के कंट्रोल कर लेगा बगैर किसी मेडिसिन के और आपको इस कंडीशन से, स्कैल्प सोराइसिस से एटलीस्ट निजात मिल जाएगी. इसको आपने अपने रेगुलर शैम्पू और कंडीशनर में ऐड करना है और इसको इस्तेमाल करना है. ना सिर्फ आपको स्कैल्प के सोराइसिस से निजात मिलेगी बल्कि आपको लगेगा कि आपके बाल बहुत घने और चमकदार भी होते चले जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ड्राई एंड डैमेज स्कैल्प की ही होती है. इन माई लास्ट वीडियो मैंने बनाया था मोरिंगा से हेयर थिकनिंग सिरम जो बालों को रीजनरेशन के लिए, रीग्रोथ के लिए बेस्ट होता है. वही ऑयल मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ और वो लोग जिनको बहुत सीवियर स्कैल्प सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है वो मोरिंगाज़ोन लोशन के 10 ड्रॉप्स इसमें शामिल करेंगे. जितना भी ऑयल लगाना है 10 से 20 खतरे शामिल करने हैं, या फिर डायमंड एस लोशन, बीटामिथाज़ोन और सैलिसिलिक एसिड, इस कॉम्बिनेशन का आपको जो भी मिले आप यूज़ कर सकते हैं. बाहर के मुल्कों में ये ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है, ये सिर्फ आपको प्रिस्क्रिप्शन पे ही अवेलेबल होती है. इसलिए आप बीटामिथाज़ोन और सैलिसिलिक एसिड की जगह जस्ट डिस्प्रीन की टैबलेट, 2 टैबलेट भी आप इस ऑयल में शामिल करके लगाएंगे तो इससे भी आपकी स्कैल्प सोराइसिस बहुत हद तक के कंट्रोल हो जाएगी. कोशिश कीजिए कि इसको इसी तरह इस्तेमाल कीजिए. ये लोशन बहुत ईजी टू यूज़ है, बहुत ही कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है और इससे बहुत फ़ायदा होता है. आपका स्कैल्प सोराइसिस इस तेज़ी से इसलिए कंट्रोल होता है क्योंकि मैंने इसमें ये जो पाउडर मिक्स किए थे, वीडियो मेरी मौजूद है, मोरिंगा हेयर ऑयल, हेयर रीग्रोथ सीरम एंड ऑयल हमने बनाया था. लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जो है उसको देख सकते हैं बनाने का तरीका. और इसी में आपने 10 टू 20 ड्रॉप्स अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन आपने ऐड करना है और इसको लगाना है इस पाउडर के साथ. ये पाउडर स्क्रब का काम करेगा, यानी जितनी खुश्की की तह होती हैं, ड्राई फ्लेकी स्किन होती है, उसको उखाड़ने में, स्क्रबिंग करने में बहुत हेल्प करता है. बहुत जेंटली लगाना है, बहुत हल्के हल्के मसाज करना है आपने और ओवरनाइट रखने के बाद इसको आपने वॉश कर देना है. सुबह में कोई भी अच्छा न्यूट्रल पीएच का शैम्पू ले लीजिए, हेयर रेडियन शैम्पू ले लीजिए, ग्रो आउट शैम्पू ले लीजिए, जो आपको सूट करता है शैम्पू आप वो यूज़ कर सकते हैं. बहुत इजी टू यूज़ है, ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ. सोराइसिस को ख़त्म करने के लिए बेसिकली जिंक का इस्तेमाल बहुत अच्छा होना चाहिए. स्कैल्प सोराइसिस के लिए बहुत ज़रूरी है हम वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो हमारी स्किन की रीजनरेशन बहुत अच्छी कराए, बालों की रीजनरेशन बहुत अच्छी कराए, फॉलिकल को स्टिमुलेट करे. इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे अगर आपको सोराइसिस है आपको फॉलिक एसिड का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है. इसके अलावा आपने बायोटिन का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है. वंस डेली बायोटिन बहुत नेसेसरी होती है क्योंकि बायोटिन अंदर से फॉलिकल को स्ट्रेंथन करती है. लगाने के साथ साथ ये दवाइयाँ ज़रूर इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये हमारी डाइट में नहीं होती हैं. अगर आपको लगता है आप फॉलिक एसिड और बायोटिन वाली फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या आपकी ग़िज़ा में ये चीज़ें शामिल हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इन मेडिसिन्स को यूज़ करें। लेकिन हमारे यहाँ आजकल बेसिकली जंक फूड का रिवाज है जिसकी वजह से कंडीशन और वर्सन होती चली जाती है, ख़राब होती है, इसलिए इन दवाइयों को हम प्रेफर करते हैं कि आप इसको डेली बेसिस पे लेते रहिए। स्कैल्प सोराइसिस होता है तो बाल बहुत तेज़ी से गिरते हैं। दिस इज़ द सीरम बेसिकली, और ये ग्रोथ बायोटिन के साथ मौजूद है। बायोटिन के साथ मौजूद है तो हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसमें पी प्रोटीन है, यानी वो प्रोटीन्स जो कि हम सब्जी से निकालते हैं, और वो कौन सी सब्जी, यानी मटर। इससे फॉलिकल की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, अंदर से बाल मोटा होता है, लंबा होता है। वंस टू ट्वाइस वीकली इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा ये DHT ब्लॉकर है, यानी कि वो हार्मोन्स जो कि आपकी मर्दाना हार्मोन स्कैल्प पे बढ़ने उसके रिसेप्टर्स जो हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, उनको ये बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। इसी की ये टैबलेट है, इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो DHT को ब्लॉक करती हैं, सिर्फ रिसेप्टर्स को जो कि हमारे स्कैल्प पे होते हैं। इसकी वजह से आपके बाल लंबे और गिरना रुक जाते हैं। वो ख़वातीन जिनको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की शिकायत होती है वो भी यूज़ कर सकती हैं। दिस इज़ द शैम्पू बेसिकली, और इसमें सॉ पामेटो मोरिंगा ऑयल के साथ मॉरकन आर्गन ऑयल के साथ मौजूद है। मॉरकन आर्गन ऑयल और बायोटिन प्रोवाइटामिन B5 के साथ सॉ पामेटो के साथ बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, और वो लोग जिनको हेयर फॉल की शिकायत होती है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और जो हमने एक इंग्रेडिएंट बताया है उससे आपको कितना फ़ायदा हो, आप जिस मुल्क से भी ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम होती है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे इंग्रेडिएंट्स चूज़ करूँ जो इजीली पूरी दुनिया में अवेलेबल हो। अगर इसके इस्तेमाल से आपको फ़ायदा होता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, फॉलो करना नहीं भूलिए, और जो है शेयर करना नहीं भूलिए, ताकि आपके पास जो है वो दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर जो है ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियोज़ आने वाली हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।